When was the first time जब आपको पता चला कि आपके हस्बैंड आपके ऊपर चीट कर रहे हैं? The first time was after the marriage. ठीक है. I was cleaning the cupboard और वहाँ से salary slip निकली. तो that was a shock for me. Coming back to that, जब रिश्ता तय हो रहा था, because I was in Qatar, settled in Qatar. ठीक है. और उसकी एक बहन भी कतर में होती थी. तो वहाँ से जब रिश्ते की बात शुरू हुई तो उन्होंने पूरी सैलरी स्लिप वगैरह दिखाई थी कि ही इज़ अर्निंग दिस मच और मतलब अच्छा वेल सेटल्ड है, अपना घर है, सारी चीज़ें हैं, यू नो जॉइंट फैमिली सिस्टम है लेकिन अपना घर है. तो माय पेरेंट्स बोले कि ठीक है, मतलब ऑब्वियसली उनको ये होते ना कि अच्छा रिश्ता है और अच्छा सेटल्ड है लड़का, तो हमें क्या मसला है ना. शादी जब हो गई तो व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दैट सैलरी स्लिप और मुझे बेसिक सैलरी पता चली, दैट वाज अ रियली बिग शॉक फॉर मी. एग्जैक्ट, इट वाज लाइक डबल, उन्होंने डबल करके बताया था और एंड दैट वाज अ शॉक क्योंकि आई वाज स्टडीइंग. ठीक है ना, आई वाज स्टडीइंग एट अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी और उस वक्त भी मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी, तो यू नो वो चीज़ एक बहुत शौक था. बट सो फाइनेंशियली दिस वाज लाइक द फर्स्ट टाइम दैट यू फेल्ट चीटेड. या एग्जैक्टली. चीटिंग और भी वेज में होने शुरू हुई? चीटिंग और वेज में थी. ठीक है. व्हेन आई हैड डिलीवर्ड माय बेबी आई वाज इन कतर. सही है. बाबा ने उसकी जॉब करवाई थी तो व्हेन आई गेव बर्थ आई सॉ हिम बिकॉज़ ही यूज्ड टू स्लीप के बच्चा रो रहा है तो वो कहीं और जाकर सोता था कि बच्चा डिस्टर्ब ना हो जाए, तुम डिस्टर्ब ना हो जाओ. व्हेन आई वोक अप मैंने बोला मैं पानी पीऊँगी तो आई सॉ हिम यू नो मैसेजिंग like his ex fiance and I was just like why is he still talking to her. So I waited for him to sleep. Maine uska phone check kiya to usme like messages the ke jo hai ye bachcha aise like I heard jab when I was pregnant usne bol diya tha ki to galti hai and I'm like. फिर उसके बाद जो है वो सुबह में व्हेन आई कन्फ्रंटेड हिम एंड आई वाज जस्ट लाइक कि तुम क्यों बात कर रहे थे उससे, लाइक आप व्हाट वाज द नीड फॉर यू टू टॉक टू योर एक्स फियांसे. उसका मुबारकबाद का मैसेज आया था ना तो आई वाज लाइक ओके शो मी द चैट. ही डिलीटेड द चैट. मतलब उसने पहले से ही वो चैट डिलीट किया. देख लो मतलब ये नहीं कि ऐसा कुछ भी नहीं है. तो एट दैट टाइम आई वाज लाइक कि ही इज लाइंग टू मी बिकॉज यू हैड ऑलरेडी सीन इट. एग्जैक्टली. तो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग वाज अ वेरी बिग शॉक फॉर मी कि इस तरह भी होता है, यू नो, क्योंकि हमारे घर का माहौल इस तरह था ही नहीं. व्हाट इट वाज के मुझे जो लग रहा था कि वो ज़बरदस्ती शादी करा दी है बस ना, कि लड़का बिगड़ा हुआ है तो शादी करा दो उसकी. इट वाज दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग. मतलब ये नहीं कि मैं सुपरमार्केट जा रही हूँ, कहाँ देख रहे हो, लाइक देयर इज अ गर्ल शी इज़ यू नो गाड़ी में सामान रख रही हो उस पर नजरें, लाइक बीवी बराबर में चल रही है और आई एम लाइक भाई मतलब व्हाट इज दिस, व्हाट्स हैपनिंग. तो जो है वो चीटिंग वाज अ नॉन एंड ऑफ थिंग एंड दिस इज लाइक चीटिंग इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट वेज. एक तो वो होती है ना कि बंदा फिजिकली चीट करता है. या दिस इज लाइक इमोशनली यूर. या इमोशनली आई वाज बीइंग चीटेड ऑन. मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तो बिल्कुल मामूली सी ही बात थी. आई डिस्कस्टेड विद हिज फैमिली, मैंने फैमिली में बताया, उसकी बहनों को बताया, हाँ तो तुम भी चैट कर लो ताकि उसको जेलसी फील हो. एंड आई एम लाइक मैं चैट करूँगी, इल्ज़ाम मुझ पर लगा देंगे कि ये भी तो चैट करती है. तो आई एम लाइक समझाने वाला कोई भी नहीं था. मतलब यू नो इट वॉज वेरी, एक छोटा बच्चा आपके घर में है, ठीक है, आपकी एक फैमिली है, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हो. आप बाहर पैसे उड़ा रहे हो, घर में आपके पास पैसे देने के लिए नहीं है. मानो आप मुझे बता सकती हैं कि जब एक लड़की को पता चलता है कि उसका पार्टनर उस पर चीट कर रहा है तो उसकी इमोशनल, उसकी मेंटल हालत क्या होती है? जब किसी को पता लगता है कि उन दे हैव बीन चीटेड ऑन, उन पे चीट किया गया है या इनफिडेलिटी इन्वॉल्व है, तो अक्सर व बेशतर पहला जो रिएक्शन होता है उनका शॉक होता है. एंड व्हाट इट डज इन द लॉन्ग टर्म इज कि उनके अंदर एक सेंस ऑफ एंजाइटी और मिसट्रस्ट, माने लोगों पे यकीन ख़त्म हो जाता है और दुनिया पे यकीन उनका थोड़ा क्रिपल हो जाता है या ख़राब हो जाता है और उनकी अपनी जो सेल्फ एस्टीम है
यानी वो जितना अपने आप को वैल्यू करते हैं वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि इनिशियली उनको लगता है कि शायद गुस्सा भर जाता है, फिर उनको लगता है कि शायद हम में कुछ था जिसकी वजह से ये हो गया, जो कि उनको साइकोलॉजिकली इतना इफेक्ट करता है कि उनकी अपनी सेल्फ वर्थ और सेल्फ एस्टीम बहुत डाउन हो जाती है. उसके साथ साथ उनको एक सिवियर किस्म की एंग्जाइटी, जिसको कहते हैं घबराहट या परेशानी, रहने शुरू हो जाती है कि वो हर वक्त हर चीज चेक कर रहे होते हैं कि कहीं ये हो तो नहीं रहा, वापस से तो नहीं हो रहा. और इस इन सब की वजह से उनके अंदर एक किस्म का डिप्रेशन और पैनिक अटैक्स भी स्टार्ट हो जाते हैं. इन चीज़ों की वजह से दे स्टार्ट डाउटिंग जिंदगी का हर फैसला, और उनको लगता है कि ये जो चीज़ अभी हमारे साथ हुई है ये हर वक्त हो रही है. इनकी नींद खराब हो जाती है, खाना खराब हो जाता है, ओवरऑल मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ स्टार्ट्स गेटिंग अफेक्टेड अगर वो अभी तक उसी रिश्ते में है जिसमें ये चीज़ हुई थी. तो ओवरऑल आपकी सेल्फ एस्टीम, आपकी एंग्जाइटी, आपके डिप्रेशन लेवल्स, आपके पैरानोया लेवल्स सब बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट. और इफ इट्स ऑनगोइंग, जैसे वो हमेशा से चल रहा है या चलता आ रहा है, तो उनका जो जहन है, उनका जो दिल है, वो रेस्टिंग फेज में नहीं आता. वो हमेशा हाइपर वेंटिलेट कर रहे होते हैं, पैनिक मोड में होते हैं, एंग्शियस रहते हैं, घबराहट में रहते हैं और लो मोड्स में रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी सेल्फ एस्टीम भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है. मेरा टू बी ऑनेस्ट कमल, मेरा जो है मेरी सास के साथ बहुत अच्छा रिलेशन था, ठीक है ना. एंड आई वुडन से दैट, मतलब शी वॉज़ अ वेरी नाइस लेडी. अब तो खैर उनकी डेथ हो गई है, लेकिन शी वॉज़ अ वेरी नाइस लेडी एंड शी डिड सपोर्ट मी अलॉट. मतलब मैंने उनको सिर्फ एक दफ़ा शिकायत की थी कि अम्मी मैंने इनको जो है इनकी एक्स फियांसे से बात करते हुए देखा था. तो शी एक्चुअली, मतलब शी शाउटेड एट हिम, शी वाज लाइक कि अगर इस तरह होगा तो तुम घर मत आना, फिर वहीं पर ही जाना. सो शी वाज ऑन योर साइड, शी वाज ऑन माय साइड बिकॉज़ शी न्यू हाउ हर सन वाज, ठीक है ना. तो शी वाज ऑन माय साइड. अब उसमें ये होता था, तुमने अम्मी से मेरी शिकायत क्यों की है? तो आई वाज लाइक मैं किससे बोलूंगी, यू आर नॉट विलिंग टू लिसन टू मी, ठीक है. और अपने अम्मी अब्बू को तो आप परेशान नहीं करना चाह रही. एग्जैक्टली, मैं उसको कन्फ्रंट करती थी तो ही वाज जस्ट लाइक हाँ ठीक है, पास था, ठीक है, ओके, आई नो एवरीवन हैज अ पास्ट, लेकिन उसका प्रेजेंट लाइफ में क्यों इतनी इन्वॉल्वमेंट है ना. एग्जैक्टली, मेरी सास की जब डेथ हुई थी उसके बाद चीज़ें और ज़्यादा सामने आना शुरू हुई. कि उस वक्त तो ये था ना कि फिर तो अब खुल्लम खुल्ला छूट थी सब चीज़ों की, कोई रोक टोक नहीं. एग्जैक्टली, किसी चीज़ का वो नहीं था ना. उसको रातों को भी देर से आ रहा है, और एक दिन तो ऐसा हुआ था कि पूरा दिन पूरी रात गायब. मैं परेशान, मैंने जब ये चीज़ डिस्कस की कि मुझे शक है, तो ही वाज लाइक कि ठीक है, लड़की सामने ले आओ तो हम तुम्हारी बात पे यकीन कर लेंगे. मतलब इसकी बातों को इतना सीरियसली मत लिया करो. आपको कभी कहते थे कि तुम अपने आप को ऐसा कर दो कि हाँ हाँ थोड़ा अपने आप को कम कर लो, अपने आप को पतला कर लो. एंड आई एम जस्ट लाइक आई एम ट्राइंग. दिस वाज इन डायरेक्ट हिंट के इस, अगर तुम अपने आप को सही करोगी तो फिर वो तुम्हारे पास वापस आएगा. एग्जैक्टली, तो यानी वो भी आपकी गलती है. हाँ, वो भी मेरी गलती ना कि मैं मोटी हो गई हूँ. अब इसमें मेरा क्या कसूर कि मेरा इमरजेंसी सी सेक्शन हुआ, आई हैड पुट ऑन वेट आफ्टर आई गिव बर्थ. दिस इज ऑल मैनिपुलेशन एंड अब्यूज. एग्जैक्टली, जो पर्सन है जिसके ऊपर आप ऑलरेडी चीट कर रहे हैं, उसको ये दिखाएं कि उसी की वजह से आपको चीट करना पड़ रहा है. एग्जैक्टली, नॉट गुड एनफ. बिल्कुल राइट. तो इस सिनेरियो के दरमियान आपको और प्रूफ भी मिल रहे थे उनके फेस के? हाँ, हुआ ये था कि जब हम लोग नंद के घर पर थे, तो एज आई मेंशन्ड के घर पर कोई टाइम नहीं था सारी चीज़ें, तो अ वाइफ कैन सेंस इट ना कि कुछ ना कुछ है. फिर उसके बाद कोर्ट की धमकियाँ देना कि मैं तुमको कोर्ट में रुलवा दूंगा. एंड आई वाज लाइक कोर्ट की बात कहाँ से आ रही है बीच में, लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था. आई चेक्ड हिज फोन, ठीक है. उसमें यह था कि आई जस्ट प्रेड कि अल्लाह जो भी चीज़ें हैं ना वो मेरे सामने आ जाएं. तो आई जस्ट प्रेड, और कुछ ही दिनों के बाद आई गॉट द चांस टू सी हिज फोन. आई वाज जस्ट कम्प्लीटली शॉक्ड टू व्हाट आई हैड टू सी, सही है ना. देयर वर कॉन्वर्सेशंस विद हिज एक्स फियांसे, लाइक पिक्चर्स मांग रहे हैं मुझे अपनी पिक्चर्स, तो मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कैसी हो गई हो, ठीक है. आपका फादर हॉस्पिटल में है, उसका ऑपरेशन चल रहा है, और आप नीचे आगा खान में लड़की से मिलने जा रहे हो. और ये चल रहा था, ये सारी चीज़ें पीछे चल रही थी, ठीक है. देर वर मैसेजेस फ्रॉम मसाज पार्लर्स के कितनी सर्विसेज हैं, एक्स्ट्रा सर्विसेज क्या हैं, चार्जेस क्या हैं, पिक्चर्स दिखाओ लड़कियों की. एंड
ऑल ऑफ दैट दोज थिंग्स शुक मी. मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पर पूरी सिंसेरिटी के साथ आई एम टेकिंग केयर ऑफ योर फैमिली, सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ, एंड देन सीइंग दैट कि आप जो है ना अपने बच्चे को वो देख रहे हो, ना मुझे देख रहे हो, खर्चे के लिए पैसे मांगती हूँ, पैसे नहीं होते हैं, तो पैसे यहाँ जा रहे हैं. फिर माई मामू वॉज़ हियर, आई कॉल्ड हिम, मैंने अपनी अम्मी को फिर बताया, आई वाज लाइक अम्मी ये है, और फिर मैंने उनको बताया, मैंने बोला मम्मा ईद पर मुझ पर हाथ भी उठाया था, मुझे मारा था. तो शी वॉज जैसे कि मैं तुम मामू को फ़ोन करो और तुम बस आ जाओ. तो शी वॉज लाइक कि ठीक है. मैंने मामू को फ़ोन किया, वाज लाइक मामू ये है, मुझे तुमने पहले क्यों नहीं बताया, तुम ठहरो अभी बहुत रात हो रही है, तुम सुकून से रहो, मैं सुबह ही तुम्हें लेने आऊँगा, ठीक है ना. सुबह मामू आए हैं, उसकी आँख खुली है, तुम कहाँ जा रही हो, आई वाज जस्ट लाइक आई कांट लिव विद यू, तुमने लाइक ऑल दिस इज़ व्हाट इट इज़. ही लॉक द डोर, ही पुश्ड मी, उसने बोला तुम कहीं नहीं जा रही, एंड आई वाज जस्ट लाइक तुम मुझे नहीं रोक, आई डोंट वांट टू लिव विद यू, मुझे नहीं रहना, मतलब ठीक है तुम जाओ उन लड़कियों के पास जिनके पास तुम्हें जाना है, आई कांट. ही वॉज लाइक लिटरली पुशिंग मी, मैं जाना चाह रही, ही वॉज पुशिंग मी. मैंने बेटे को लिया एंड आई वाज जस्ट लाइक कि मेरे मामू फिर फौरन आ गए, लाइक दरवाज़ा वगैरह खोल के, ही वाज जस्ट लाइक जस्ट ओपन द डोर वरना बहुत बुरा हो जाएगा, हम पुलिस बुला लेंगे. तो देन ही लेट मी गो, ही वाज जस्ट लाइक ठीक है ऑन नहीं जाएगा, ही स्नैच्ड ऑन फ्रॉम माय हैंड्स, ही वाज जस्ट लाइक इसको जाने या जाए, बेटा नहीं जाएगा, मैं बेटा नहीं जाने दूंगा, मैं उसका बाप हूँ, मैं रोक सकता हूँ, मेरा पूरा पूरा हक है. मामू ने बोला अभी चल लो, हम बाद में बच्चा ले लेंगे. तो आई वेंट और उसमें आई कुड सी, मतलब मेरे I can't imagine your pain as a mother. He had tears in his eyes. Mama, because he was forever with you, na. Baap to ghar pe. Exactly. Usko to idea bhi nahi tha ki main aise jaungi. And I just told him ke mama wapas aayegi. Mama tumko lekar jayegi. To मैं घर आ गई और फिर उस पर यही हुआ था कि आई एम नॉट गोना, आई कांट लिव विद हिम एनीमोर, मुझ पर हाथ भी उठा लिया था. फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, फिर ख़र्चा नहीं, तो जब इस तरह का था तो मैं भावन से नहीं, बस अब ठीक है, हदें पार हो गई हैं, अब खुला के लिए दायर कर दो. खुला के लिए दायर किया, साथ कस्टडी के लिए भी उस वक्त दायर कर दिया था. आई गॉट माई सन आफ्टर 14 days, ठीक है ना. कोर्ट में जब मैं बेटे को अपने लेने गई तो ही वॉज क्राइंग, मतलब ज़ाहिर एक छोटा बच्चा था, और ना ही वॉज विद माई एक्स हस्बैंड, ठीक है, मेरे एक्स हस्बैंड की गोद में था वो, और ही वॉजन्ट, मतलब यानी कि वो जो स्नैचिंग वाला पूरा होता है ना, ही वॉजन लीविंग हिज फादर बट ही वॉन्टेड टू कम टू मी एज वेल. तो वो चीज़ ना देख कर मैं बिल्कुल एकदम ना वो होगी कि आई जस्ट कुडंट सी माई सन लाइक दैट. खैर बेटा आ गया मेरे पास, फिर उसके बाद I was with my son, मैं उसको देख रही थी. फिर obviously ख़ानदान में पूरी बात हुई कि बेटा कैसे रहेगा बाप के बग़ैर, दोबारा सोच लो, केस वापस ले लो, ऐसे नहीं हो, मतलब तुम्हें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा अकेले. क्यों लोग अब्यूसिव सिचुएशंस में या ऐसी सिचुएशंस जिसमें उनको तकलीफ मिल रही होती है उन सिचुएशंस में रहते हैं, आप बता सकती हैं? अक्सर क्या होता है कि जब अब्यूसिव रिलेशनशिप में कोई होता है या किसी ऐसे रिलेशनशिप में होता है जहाँ चीटिंग इन्वॉल्व हो जाती है, तो उनके अराउंड जो लोग होते हैं, जब वो उनसे कहता है कि आपने अपने फ्रेंड्स को या अपनी बहन को या अपनी अम्मी को या किसी क्लोज बंदे को बताता है कि हमारे साथ ये हो रहा है, तो वो उनके लिए ये सिचुएशन नॉर्मलाइज कर देते हैं. उनको कहते हैं कि ये तो सबके साथ होता है, मर्द तो ऐसे ही होते हैं, तुम थोड़ा सब्र कर लो, तुम्हारे जब बच्चे हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, थोड़ा तैयार होके बैठो उसके सामने, उसको ज़्यादा प्यार करो. तो उनको लगता है कि ये तो सबके साथ हुआ था, तो हमारे साथ भी हुआ है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, वो सही हो जाएगा. दैट्स वाई दे स्टिक अराउंड. और इस इंसिडेंट्स की वजह से उनकी अपनी सेल्फ एस्टीम इतनी नेगेटिवली इम्पैक्ट हो जाती है कि उनको लगता है कि गलती हम में थी, गलती आगे वाले बंदे में नहीं है. तो वो लोग अपने आप पे ज़्यादा काम करना शुरू हो जाते हैं, एक्स्ट्रा इन्वॉल्व हो जाते हैं रिलेशनशिप में, ज़्यादा फेवर्स करने लगते हैं अपने चीटिंग पार्टनर को, और इंस्टेड ऑफ फिगरिंग आउट कि आगे वाले बंदे की गलती है, उनको लगता है कहीं मुझ में कमी थी.
और थर्डली एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न साइकोलॉजिकली ये हो जाता है कि हमें लगता है चूंकि हमारे साथ ये हुआ है तो हम ये डिजर्व करते हैं, और ये जो अब्यूजिव इनफिडेलिटी वाली चीटिंग स्पेस है वही हमारा सेफ स्पेस है, इसके बाहर हमारे लिए कोई दुनिया नहीं है। मेरा कोर्ट चल रहा है केस में, ठीक है, उसके पूरा खानदान, लाइक हिज फादर केम, उसके फादर आए, मतलब देख लो पैचअप कर लेते हैं कुछ, फिर वही कस्में खाना शुरू हो गए, नहीं होगा ऐसा, मैं अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहता एंड एवरीथिंग लाइक दैट। फिर मैं अपने बेटे को देख रही थी, ही वॉज ग्रोइंग, फिर मुझे ये हुआ इज ही गोना ग्रो विदाउट अ फादर। और फिर मैंने कहीं पर ही, मतलब मैंने एक अपने ही घर में मैंने कि ये तो बेचारा है, यू नो, के बगैर, मतलब इसका बाप ऐसा है, ये बेचारा, एंड दैट वाज लाइक नहीं, मेरा बच्चा बेचारा नहीं है, आई डोंट वांट दैट लेबल ऑन माय सन। ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू नो वर गोइंग इन माय हेड। आई वाज जस्ट लाइक कि ठीक है, एक मौका दे देती हूँ, इंसान बदल जाता है, एक लाइफ आता है, टर्निंग पॉइंट आता है जिसमें वो फिर सोचता है, और जैसे कि ठीक है शायद ये टर्निंग पॉइंट होगा। आई टुक माय केस बैक, ठीक है, और उस पर भी लाइक कमल, उस पर भी ये था कि आई एम टेकिंग द केस बैक, मतलब इंसान के अंदर गैरत नाम की एक चीज़ होती है, विच इज़ लाइक नहीं, ये लाइन हटवाओ जो कोर्ट के पेपर में है कि मेरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे, ये लाइन हटवाओ। मैंने बोला ठीक है सब हटा दो, केस वापस ले लो, आई डोंट वांट टू गो थ्रू दिस, ठीक है, बच्चा ही इज़ ऑलरेडी ट्रॉमेटाइज, लेट्स जस्ट फॉरगेट इट, स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। दैट वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, ठीक है ना। उसके बाद जो चीज़ें मेरे सामने आई हैं, कुछ चीज़ें आई कॉन्ट इवन से इट आउट, क्योंकि जो उसने मेरे साथ किया है, कुछ चीज़ें जो उसने मेरे साथ की हैं, उनका सिर्फ गवाह मैं और मेरे अल्लाह हैं, ठीक है ना। मैं इस तरह आगे आके नहीं वो कर सकती, क्योंकि इंसान की रूह कांप जाती है। आई टोल्ड माई मॉम दिस, माई मॉम इज़ दी ओनली पर्सन हु नोज, और वो भी मेरे बेटे ने बताया कि बाबा मम्मा के साथ ये करते हैं रात में, और मेरी मम्मा शी कुडंट स्लीप फॉर नाइट्स जब उनको ये पता चला कि मेरे साथ ही हुआ। योर सन लाइक सच अ स्मॉल चाइल्ड, एग्जैक्टली, हर चीज देखी। आई स्टार्टेड वर्किंग, जॉब हुई मेरी, बेटा साथ जा रहा था, फिर ऑब्वियसली एक हम लोग घरेलू जिंदगी में आए, चीज़ें यू नो थोड़ी सी नॉर्मल, मतलब वो होता था 3 महीने सही होती थी, 4th महीने ख़राब, यू नो 4th महीने फिर कुछ ना कुछ, ना मुझे ये क्यों चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, वाई इज नी गेटिंग आउट ऑफ दैट, मतलब ये औरतों की क्या चक्कर है, मतलब वाई इज ही नॉट बिकमिंग सीरियस, यू नो क्यों वो नहीं हो रहा ना, मतलब एक सीरियसनेस क्यों नहीं आ रही है ज़िंदगी में। खैर आई जस्ट लेफ्ट इट देन, यू नो, मतलब अब आई वाज जस्ट लाइक नहीं है ना, भाड़ में जाए, आई डोंट केयर, मेरा बच्चा है, ठीक है, मैं अडैप्टेड एंड नॉर्मलाइज्ड द सिचुएशन, एग्जैक्टली, कि बस अब ऐसे ही जिंदगी गुजारनी है, अब नहीं होगा छोड़ो, कोई मसला नहीं। Okay. Then when did you leave again? उसके बाद things were out of, मतलब चीज़ें build up होती जानी थी। मेरे parents मेरे घर पर रुकने के लिए आए, ठीक है, to spend some quality time with me. उसमें उनकी इतनी बेइज्जती कि कोई हद नहीं, and my parents were just quiet. मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि I'm having affairs in school. सही है। उसके बाद ये हुआ कि he said to me कि तुम्हारा तो 13,000 वाला भी मुंह नहीं है। दैट इज व्हेन आई डिसाइडेड टू लीव हिम, ठीक है, बात मेरी इज्जत के ऊपर आ गई थी। जो शौहर अपनी बीवी को ये बोल सकते हैं कि तुम हराम का पैसा कमा रही हो, आई वॉज अ टीचर, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे बहुत इज्जत दी है। आई टोल्ड माई डैड, आई वाज जस्ट लाइक बाबा मुझसे नहीं हो रहा, आप प्लीज़ आ जाए, क्योंकि ही थ्रेटन टू किल मी। डैड वाज लाइक फातिमा तुम देख लो, तुम अपना बेटा छोड़ सकोगी? आई वाज लाइक बाबा आई कांट लिव विद हिम, मैं इस तरह अब नहीं रह सकती। आई प्रेड, ठीक है ना, मैंने बहुत सोचा, एंड दैट नाइट वाज द हार्डेस्ट नाइट, क्योंकि मुझे नहीं पता था इफ आई वुड बी एबल टू सी माय सन अगेन और नॉट। मेरा बेटा मुझसे बोलता था जब उसने मुझे देखा कि सिर्फ दाल में नमक कम था, ही थ्रू द प्लेट और उसने मुझे धक्का दिया अपनी टांग से कि मैं नीचे गिर गई।
And my son was like, Baba, आप क्या कर रहे हैं? And he started crying. आपने मम्मा को क्यों मारा? सिर्फ दाल में नमक कम होने की वजह से. Seeing that thing happening with me, वो already mature हो गया था, समझदार हो गया था वो. Before time ही वो बड़ा हो गया. Exactly, before time वो बड़ा हो गया था. मैं आ गई अपने parents के पास और बस this is it. मतलब बेटा उसके पास है. मैं बोलती हूँ मुझे मिलवा दो. नहीं, देयर इज नो कॉन्टैक्ट, ब्लॉक किया हुआ है सबने. अगर हमारे पास कोई आए, जैसे आपने मुझे बताया कि बहुत से नेगेटिव इमोशंस एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं वो लोग जो इस तरह की सिचुएशन में होते हैं, अगर हमारे फ्रेंड सर्कल या फैमिली में कोई आके हमारे साथ ये वाला प्रॉब्लम शेयर करे कि उनके साथ ये हो रहा है, तो हमें उनको किस तरह सपोर्ट करना चाहिए? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वही करना चाहिए कि हमें बिल्कुल ये नहीं करना कि हम उनके लिए सिचुएशन नॉर्मलाइज करें, चाहे बेशक वो हमारे साथ हुई थी या हमारे किसी जानने वाले के साथ हुई है या हमारे बड़ों के साथ हुई है या नहीं. आपको ये नहीं कहना कि ये सबके साथ होता है. अगर ये सबके साथ होता है तो गलत होता है. पहले उनको उनकी फीलिंग्स को, जो वो महसूस कर रहे हैं, जो उनके साथ गलत हुआ है, उसको गलत बोलें, उसको वैलिडेट करें. वैलिडेट का मायना है, अगर कह रहे हैं कि उनका दिल टूटा है या वो हर्ट है या उनके साथ गलत हुआ है, तो आप उनको बोलें कि हाँ, आपके साथ गलत हुआ है. और जिस काइंड ऑफ सपोर्ट, वट एवर काइंड ऑफ सपोर्ट जो भी उनको चाहिए, आप उनको वो प्रोवाइड करें. पहले तो आप उनकी बात सुनें, उनको एक्नॉलेज करें, उनको सपोर्ट करें, जितनी भी रिसोर्सेज उनके पास हैं या आपके पास हैं उस हिसाब से. और उनको बताएंगे जो उनके साथ हुआ है वो उनकी गलती नहीं है. उनको आप सिर्फ इतना ही बताएंगे और सपोर्ट करेंगे तो उनके लिए बहुत होता है, बजाय कि आप उनको नॉर्मलाइज करें उनके लिए ये बात. फातिमा, आई रियली वांट टू नो, आपने आज क्यों डिसाइड किया अपनी स्टोरी को शेयर करना? When I first posted on Soul Sisters, ठीक है, I didn't know कि इतना response मिलेगा मुझे. I had women messaging me कि how did you get through this, या आप किस तरीके से इस चीज़ को फेस कर रही हो, society को फेस कर रही हो. I just wanted कि अगर सिर्फ एक post से मेरा, ठीक है, इतने जो है, I had around about I think 200K तक reach हुई है, तो I wanna come out and give strength to those women जो नहीं share कर पा रही हैं. उनको शायद मेरी story से थोड़ी ढारस मिले, थोड़ी एक strength मिले. When you share, मतलब आपको एक और strength मिलती है कि you know, you're not alone. Exactly, कि you're not alone, you're in the same boat. कोई और भी है जो इन सब चीज़ों से गुजर रहा है. And you can share each other's pain. Exactly.